रामो रामो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे रामो हरे राम रामो रामो हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे रामा हरे रामा 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्णा दंडक प्रणाम प्रभु जी। शुकताल में हूँ, दर्शन करा रही हूँ। वाह वाह वाह, सब लोग सुखताल का दर्शन करिए। वाह, कृष्ण लाल जी ने हरि वाह हरि वाह। एकादशी है ना प्रभु जी, स्पेशल इधर जय हो जय। शिवलिंग भी है, मुझे पता ही नहीं था। वाह, हरि बोल जय हो, हरि बोल हरि बोल। इतना भाग्य देखिए, बोलो सुखदेव महाराज की जय। जय हरी हरी बोल। की बड़ी कृपा है हम सब पे। नहीं प्रभु जी, आप भी हमको इसी तरह कथा सुना रहे हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, और हम सुनते हरे बोल। हरे कृष्णा गुरु जी, प्रणाम। बहुत सुंदर दर्शन। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्ण। ये कौन सी डीटीज है माता जी? कृष्ण है और कौन है? प्रभु जी तो कृष्ण ही है, तो बताएंगे क्या क्या है। हरे कृष्ण प्रभु दंडक प्रणाम। अच्छा, और ये मूल स्थान है, कथा हुई थी यहाँ पे, और यहीं से कथा बता रहे हैं। ये अंदर जो है, अंदर जो आशीर्वाद दिए भगवान देव, और जो नमस्कार करके बैठे वो परीक्षित हैं। बीच में भगवान कृष्ण है और वेद व्यास हैं, वशिष्ठ हैं, ये श्रृंगी और उनके पिता समित ऋषि। अच्छा, सारे ऋषि हैं। कहाँ से आए? महाराष्ट्र से। ये ऑनलाइन है हमारे गुरु जी का, उनका ये। ओके, हरि बोल, जय हो जय हो। ये शुकताल है जहाँ पे सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को श्रीमद् भागवतम पढ़ाया था। ये वो स्थान है। विट्ठल जी के दर्शन करा देती हूँ, ये पीछे साइड में ही है, फिर मैं रख दूंगी। हाँ यस, पीछे कौन सा दर्शन है? विट्ठल रुक्मणी, ये बोलते महाराष्ट्र के लोगों ने आके बनाया है यहाँ पे। अरे वाह, मराठी मानो जागा हो। यहाँ पे सिर्फ दो जगह पे से लिखा हुआ है मराठी में, बाकी सब जगह हिंदी में लिखा हुआ है। हाँ देखिए, अंदर जा सकते हैं। महाराष्ट्र संतों की भूमि है। जय हो विट्ठल रखुमाई ही, जय 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 विठल विठल विठला, जय जय विठल विठल विठला, मद विठल पांडुरंगा, मद विठल पांडुरंगा, जय जय विठल विठल विठला, जय जय विठल विठल विठला, मद विठल पांडुरंगा, मद विठल पांडुरंगा। ठीक है प्रभु जी, रखती हूँ, और ज्यादा विलंब नहीं करती क्लास के लिए। सो सॉरी प्रभु जी, सो सॉरी, थैंक यू सो मच। ओके, आइए हमसे प्रार्थना करते हैं। हमारे श्रीमद् चतुश्लोकी भागवत जो है, इस भागवत में प्रवेश करते हैं। और श्रीमद् भागवतम का ये जो अमूल्य वरदान है सुखदेव गोस्वामी ने हम सबको दिया है, उसको अपने जीवन में उतारते हैं। हरे कृष्ण। मेरा जो ट्रेडिशनल क्लासरूम है, वो क्लासरूम में पूरा सामान भर दिया है बच्चों ने, उधर में बैठ नहीं सकता। और इधर मेरा रूम है, यहाँ इन्वर्टर वगैरह नहीं है, तो लाइट गया तो थोड़ा डार्क दिखूंगा, लेकिन उससे कुछ नहीं, मैं ऐसे भी बहुत डार्क हूँ। और इससे ज्यादा डार्क तो मेरा हृदय है, वो और भी डार्क है, दिखता नहीं है।
तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए हम सब प्रार्थना करते हैं और श्रीमद् भागवतों में प्रवेश करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरंदस्य ज्ञानांजनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रतिष्ठाय पुतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नाम्नि नमस्ते सरस्वतीदेवे। गौरवाणी प्रचारण निर्विशेष शून्य अधि पाश्चात्यस्तरणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा। तो हम लोग द्वितीय स्कंद के 9वें अध्याय में 33-34 ये श्लोक हो गया था। 35 कल पढ़े थे और आधा परपोट पढ़े थे, आधा परपोट आज पढ़ेंगे। तो 35वें श्लोक में 33 में भगवान अपने बारे में बताते हैं, वैकुंठ के बारे में बताते हैं। 34 में माया शक्ति और इस शक्तियों में कैसे वो कैसे उपस्थित हैं वो सब बताते हैं और माया क्या है इसके बारे में बताते हैं। उसके बाद 35वें श्लोक में भगवान अपने अचिंत शक्ति का दर्शन देते हैं कि मैं कैसे साइमल्टेनियसली दोनों जगह हूँ और मैं इस सृष्टि में हूँ और नहीं भी हूँ, कैसे वो सब उन्होंने बताया, कैसे सब प्रवेश करता है। उसी का आधा परपोट अभी बचा है, आइए हम सब पढ़ते हैं। और आज हम पढ़ेंगे एक अद्भुत रहस्य जो भगवान को भी आकर्षित करता है। 35वां श्लोक। यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। ओ ब्रह्मा, प्लीज नो दैट द यूनिवर्सल एलिमेंट्स एंटर इनटू द कॉस्मोस and at the same time do not enter into the cosmos. Similarly, I myself also exist within everything created and at the same time I am outside of everything. So, यहाँ पे ब्रह्मा जी जो है वो उनको ब्रह्मा जी को कहा गया है कि हे ब्रह्मा, मैं अपनी सृष्टि में भी रहता हूँ और इस सृष्टि में प्रवेश करते हुए भी यहाँ रहता भी हूँ और नहीं भी, तो रहता हूँ क्योंकि सारी कण कण में मैं विराजमान हूँ। ये कलम ने देखा था, अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम गोविंदमादि पुरुषम दमहम भजामि। और इसमें नहीं भी रहता हूं, क्यों? कि जो मुझसे प्रेममयी संबंध है वो आप इन धातुओं से नहीं बना सकते, आप इनसे प्रेम से नहीं रह सकते, क्योंकि मेरा मैं स्वयं वैकुंठ में रहता हूँ, मैं गोलोक में रहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमने तात्पर्य पढ़ा था और उसमें देखा था कि भगवान को कौन समझ सकता है, तो वो व्यक्ति समझ सकता है जो प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचने न, जिसके आंखों में प्रेमों का अंजन लगा हो। आईज आर अनॉइंटेड विद लव ऑफ गॉड इट, जो जो भगवान के प्रति भक्ति रखता है वो व्यक्ति जो है वो मुझे देख सकता है, मुझे जान सकता है। देख सकता मतलब केवल आंखों से नहीं। आज अभी आगे एक श्लोक आएगा जिसमें ब्रह्मा जी ने नारद को कहा था ना कि ये जो भागवत है ये स्वयं भगवान का शब्द रूप है, तो ये जो भी हम पढ़ रहे हैं भागवत विष्णु भागवत, ये स्वयं भगवान के शब्द रूप है। ये सुनते मैंने एक्चुअली इसके ऊपर सर रखा तो रोंगटे खड़े हो गए थे। हाँ, क्योंकि सोचे स्वयं भगवान के शब्द हैं, भगवान ही है। इसलिए श्रीमद् भागवत हम भगवत गीता को लोग अच्छे से रैप करके आरती भी करते हैं, लेकिन उसको खोल के पढ़ना भी है, नहीं कि रैप करके रख दिया, रैप करके नहीं रखना, पढ़ना भी है। तो आगे का जो परपोर्ट है वो हम लोग पढ़ते हैं। कहा गया, द लॉर्ड कैन अवॉर्ड एनी वन एंड एवरी वन लिबरेशन फ्रॉम बॉन्डेज ऑफ मटीरियल वर्ल्ड। भगवान किसी को भी मुक्ति प्रदान कर सकते हैं, किसी को भी, किसी भी हालात में प्रदान कर सकते हैं। लेकिन यहाँ कहा गया, येट ही रेयरली अवॉर्ड्स द प्रिविलेज ऑफ लव ऑफ गॉड हेड एज कंफर्म्ड बाय नारदा। वो अपना प्रेम बहुत कम लोगों को देते हैं,
क्योंकि वो सिर्फ क्वालिफाई करने वाले लोगों को देते हैं। और कौन क्वालिफाई करता है? जो भगवान को अनंत प्रेम करता है वो नियम कानून कुछ नहीं देखता, केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करता है, अपना अस्तित्व मनसा काया वाचा केवल भगवान के लिए करता है, वो व्यक्ति भगवान को बहुत प्रिय है। मम मन मंदिरे रहो निशिदी कृष्ण मुरारी श्री कृष्ण मुरारी। हाँ, श्री कृष्ण मुरारी, भगवान को अपने हृदय में स्थान देना है। और एक बहुत सुंदर भजन उसको कहते हैं, अंतर मंदिर जागो जागो माधव कृष्ण गोपाल। अब आपको एक चीज बताते हैं, ये जो प्रेम है ना भगवान से, ये भौतिक तरीके से हो नहीं पाता। हम लोग कभी सोचते हैं अच्छा क्या ये वो वाला प्रेम है जो हम मतलब उसके बारे में सोचते रहें, अपना ब्रेन वॉश करते रहें ताकि हमको एक दिन उन्हीं के बारे में समझ में आए। नहीं, ये प्रेम स्वाभाविक ही है। यानी जब आपको समझ में आए कि ये तो जैसे कोई माता पिता अपने बच्चा बिछड़ जाए बेटा माँ बाप से और बाद में पुलिस मिलवा दें, तो जब वो आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे से कभी ना मिले हैं ना बात किए, लेकिन पहली बार देखते तो ये मेरी माँ है, वो स्वाभाविक ही रूप से गले लग जाता है क्योंकि वो स्वाभाविक ही प्रेम। वैसे हमारा भगवान से अनादिकाल से रिश्ता है, वो जब लिंक बन जाता है ना भक्ति के माध्यम से तो वो व्यक्ति को फिर लॉजिक तर्क वितर्क कोई लेन देना नहीं होता है। तो ये भगवान यहाँ कह रहे हैं, प्रभुपाद जी परपोट में कह रहे हैं कि नारद भी कह रहे हैं कि वो भगवान सब कुछ दे देंगे, मुक्ति दे देंगे। और सर यहाँ भी कहा गया मुक्तिम दधाति करहिचित स्मन भक्ति योगम, लेकिन भक्ति योग नहीं देते। क्यों नहीं? क्योंकि वो स्वाभाविक ही है, वो देना नहीं पड़ता, वो जिसने वो संबंध जोड़ लिया उसको अपने आप आ जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे कहा गया है, दिस ट्रांसेंडेंटल डिवोशनल सर्विस ऑफ लॉर्ड इज सो वंडरफुल। आप इसे कोई म्यूट है, सुजाता जी आप म्यूट कर लीजिए, आपका आवाज बाहर आता है। दिस ट्रांसेंडेंटल डिवोशनल सर्विस ऑफ लॉर्ड इज सो वंडरफुल दैट द ऑक्यूपेशन कीप्स द डिजर्विंग डिवोटी ऑलवेज रैप्ड इन लव ऑफ गॉडहेड। ये ऐसा है, भक्ति ये ट्रांसेंडेंटल यानी दिव्य है, ये तीन गुणों से परे है और ये इतना खिंचाव लेता है भक्ति का कि यहाँ कहा गया है कि वन इज ऑलवेज रैप्ड इन डिवोशनल सर्विस। वो जो भक्त है ना वो पूरा उसमें रैप्ड हो जाता है, यानी उसी में पूरा घुल मिल जाता है, उसको पता ही नहीं चलता कि वो कैसे इसमें घुल मिल गया है ना। ये यहाँ पे एंड रैप्ड इन फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज, मतलब शारीरिक रूप से मानसिक रूप से पूर्ण रूप से भगवान में सेवा में लग जाता है, भगवान को विग्रह रूप में एक्सेस करता है, भागवत रूप में श्रवण करता है, नाम रूप में जप करता है, कीर्तन रूप में कीर्तन करते हैं, प्रसाद रूप में ग्रहण करते हैं, तो सब जगह से भगवान की सेवा में लग जाते हैं। जैसे परीक्षित महाराज सॉरी अम्बरीश महाराज का श्लोक है ना, सवय कृष्ण पधार अविंदे, कि भगवान को मन से शरीर से हाथों से भगवान का श्रृंगार करिए, उनका चरणामृत लीजिए, हाँ सर जो है उनके सामने झुकाइए, पांव जो है उनसे तीर्थ यात्रा करिए। अब तो पांव भी नहीं, गाड़ी में बैठना होता है, हाँ बैठ के तीर्थ यात्रा करना है, वो भी कम लोग करते हैं। तो ये यहाँ पे कहा गया, तो ये इधर मिस्ट्री क्या है सुनिए। Thus, love of Godhead developed in the heart of devotee is a great mystery. क्योंकि ये ज्ञान से नहीं आता, भक्ति ज्ञान से नहीं आता, भक्ति शक्ति से नहीं आता, भक्ति धन से नहीं आता, भक्ति सौंदर्यता से नहीं आता, भक्ति किसी राष्ट्र में जन्म लेने से नहीं आता, भक्ति ट्रांसेंडेंटल है, वो जिसको चाहे उस पर कृपा करके उसको भगवान का प्रेमी बना ले। हाँ, इसलिए जब प्रभुपाद गए तो उन्होंने ये मुद्दा सिद्ध कर दिया। जनरली भारत के जो ब्राह्मण है इनको वेद मंत्र बोलने का बहुत अभिमान भी होता है, इनको लगता है ये अंग्रेज क्या कर लेंगे, अंग्रेजों को थोड़ी आता,
ये बात तो सही है कि वर्णाश्रम और वैदिक विद्या में उनका जन्म से ज्यादा संस्कार नहीं होने के कारण वो सब नहीं पता है, लेकिन जो दूसरे प्रभु जी है ना, दूसरे प्रभु जी ना करुणावतार, उनको मिलो जाओ, चलो आपस में लड़ता है मेरे पास आता है दो भाई आपस में लड़ रहे, उनको मजा आता है कंप्लेंट करने में। कल ही एक को महाप्रसाद दिया रात में, एनीवेज ठीक है। तो यहाँ पे कहा गया कि हाँ, मिस्ट्री क्या है, द लव ऑफ गॉड डेवलप्ड इन हार्ट ऑफ डिवोटी इज द ग्रेट मिस्ट्री। अब लोगों को आश्चर्य लगता है कि पाश्चात्य देश में मांस मछली, मछली मांस छोड़ो गोमांस तक खाने वाले, सुअर तक चबा जाने वाले ये आसुरी लोग कैसे, और ये लोग इतने मूर्ख थे, गांजा वांजा मार के नंगे बैठे रहते थे बावरी में, प्रभुपाद देख के रोते थे। मतलब इन लोगों को तो मतलब कपड़े से भी मुक्ति चाहिए था, ऐसे घिनौने लोग थे। लेकिन जब कोई शुद्ध भक्त, भक्तात संजायते भक्ति, देखिए भगवान तो कृपा करते हैं जब आप भगवान को लगता है कि आप क्वालिफाइड हो गए, लेकिन भक्त जो है ना वो अनक्वालिफाइड को भी क्वालिफाइड बना देता है, इसलिए भगवान को भी वैसी कृपा देने के लिए भक्त बन के आना पड़ता है। हाँ, चैतन्य महापुरुष के रूप में वो अहेतु की कृपा करते हैं, और इसलिए प्रभुपाद जैसे सेनापति भक्तों को पाश्चात्य देश में भेज दिया, और वहां उन्होंने सब पे अहेतु की कृपा किया और उन सबको भक्त बना दिया। तो भक्तात संजायते भक्ति, भक्त के माध्यम से भक्ति मिलती है, ये बहुत बड़ा मिस्ट्री है। इसलिए बड़े बड़े विद्वान सोचते हैं, कभी कभी भारत के कर्मकांडी ब्राह्मण या विद्वान जन जो है बहुत विद्वान है, कभी कभी हमारे शंकराचार्य के जो बड़े बड़े शंकराचार्य हैं जो बहुत विद्वान है, ये लोग भी कई बार अचंभित हो जाते हैं कि अंग्रेज है तो उनको ये एजेंट है, तो ये है वो है फलाना ढिमका, वो ठीक है कोई एजेंट है तो सरकार क्यों सो रही है, गोली मार दे उसको, लेकिन कोई एजेंट नहीं है उसको भी एजेंट बोल के उसके भक्ति का लेवल जो है वो थोड़ी आपके सामने गिराने वाला है। कभी कभी लोग इनको प्रभुपाद के समय भी बोलते थे, अरे अंग्रेज जो है सब एजेंट है, अरे प्रभुपाद का सेवा कर रहे हैं वो, इतना बुक प्रिंटिंग किया, इतना तो कोई अभी तक भी कोई इतना इंग्लिश में अच्छे से आज तक भी इतने सारे स्कॉलर हुए किसी ने नहीं बनाया, हमारे इंडियन कल्चर में वैदिक कल्चर के भी जितने भी लोग हैं नहीं बना पाए, ये वेस्टर्नर से तब बना जब गंजड़े फुकड़े ऐसे निकल के आए थे और प्रभुपाद जी ने इनको कृपा की, वो लोग चैंटिंग करने लगे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, जो नाम जप करने लगे उन लोगों को उन्होंने भक्ति दे दिया। और हमने वो श्लोक देखा ना दूसरे अध्याय में, किराट हुणांद्र पुलिंद पुलकशा आभीर शुंभाय वना कसादयः यन्ने च पापाय दपाश्रयाश्रया शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभ विष्णवे नमः। अगर कोई किराट हूण अंध्र पुलिंद पुलकश किसी भी यवन है, खसादय है, खस है, कोई भी प्रकार का जाति हो, अगर वो एक बार भगवान का नाम ले ले तो प्रभ विष्णवे नमः, वो भक्त का भगवान का महान भक्त बन जाएगा, ये यहाँ पे कहा गया है। तो ये बहुत बड़ा एक रहस्य है कैसे बन गया भक्त। तो बहुत सारे कर्मकांडी ब्राह्मण आज भी नहीं समझ पाए हैं, इसलिए वो कई बार निंदा करते हैं, उनको लगता है कि हम जो पांडित्य पूजा कर रहे हैं हम ही ऑथराइज्ड हैं, लेकिन उस कर्मकांड का तो स्तर ही चालू होता है मनुष्य से, उसके आगे निष्काम बहुत कुछ है। आप टाइप करिए गूगल में किराट हूण तो आपको मिलेगा, सेकेंड कैंटो का कोई 2.5.34 होना चाहिए शायद, देखो तो 2.34 नहीं, या तो 2.3.34 होगा, नहीं 2.4.18, अच्छा 2.4.18, देखो तो 2.4.18 ओके, बराबर 2.4.18 किराट हुणांध्र पुलिंद पुलकशा,
ये हमने पढ़ लिया है ऑलरेडी, आप इसके ऊपर लेक्चर भी दिए। तो भगवान जो है ना वो किसी, देखिए कर्म कांड करते क्या है, ब्राह्मण पूजा ओम, वो बहुत सुंदर से मंत्र बोलते तो लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं, फ्लावरी वर्ड्स होते हैं एकदम, है ना, वो ऐसा लगेगा आपको जैसे वो आपको ये सूक्त गाते हैं बहुत अच्छा लगता है, जैसे अभी श्री सूक्त कुछ लाइन्स लेते हैं तो, क्योंकि माता श्री जो है वो बहुत दयालु है तो उनका लोग जनरली गाते हैं ताकि धन आए कुछ आए, तो वो गाते तो एकदम मस्त ऐसा चलेगी वाह। ओम हरि ओम हिरण्यवर्णम हरिणीम सुवर्ण रजस रजतस्त्रजाम चंद्राम हिरण्मयीम लक्ष्मीम जातवेदो आवह काम आवह जातवेदो लक्ष्मी मनपगामिनीम यस्याम हिरण्यम विद्येयम गामश्वम। अच्छा तो आपको लगेगा कि वाव, जब 10-12 मंत्र लोग मंत्र हैं तो बोले वाव, लेकिन अंदर में आप क्या कर रहे हो, मन में आप भोग चाह रहे हो कि लक्ष्मी जी थोड़े हमारे पास आइए, तो ये जो भाव है भौतिक है, तो इसमें मंत्र तो बहुत उच्चार किया कान को मजा आया, लेकिन नाक में आपको एक बदबू आएगा भौतिक मन का बदबू है कि भोग विलास की बात है। शैलेश जी म्यूट कर दीजिए, शैलेश जी म्यूट कर, शैलेश जी म्यूट कर, तो इन्होंने शेल हाँ वो कर दिया। चलिए तो ये सब जो ब्राह्मण वर्ग है ये बहुत ज्ञानी हो जाता है, बहुत विद्वान हो जाता है, और फिर इन लोगों को अपना बचाव करने के लिए शंकराचार्य जैसे जो व्यक्ति हैं, यही वो शंकराचार्य हैं जिन्होंने 1947 में जब इंडिया आजाद हुआ था 70,000 मुसलमान बोले थे कि हमको हिंदू बनना, जवाहरलाल नेहरू के पास गए थे, लेकिन यही शंकराचार्य के पीठों ने भावना दिखाई कि नहीं हमारा वर्चस्व है नहीं लिया, आज वही वो भोग रहे हैं बैठे बैठे मुस्लिम्स को गाली देके क्या होने, जब वो बन रहे थे तो आपने उनको स्वीकार तक नहीं किया। तो एक्चुअली समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं, और ये सब होगा जब भगवान की कृपा होगी और ये एक भक्ति कर सकता है, ये कर्मकांडी और ज्ञान मार्ग के लोगों का काम नहीं है, ये भक्तों का काम। ऐसा बोलते ही इन लोग में भी भक्ति जाग जाता है, ये लोग बोलते नहीं 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 हम लोग भी भक्त हैं, तो ये लोग भक्ति का ढोंग करता है, लोग भक्ति को मूर्ति पूजा करेगा तो बोलेगा नहीं मूर्ति पूजा से मेडिटेशन होता है ना, स्वयं भगवान वहां है, आप उस भाव में सेवा नहीं करो तो आप भक्त नहीं हो, फिर आप ज्ञानी हो जो भगवान की भक्ति को भी अपने ज्ञान में घुसेड़ रहे हो, आप भक्ति को भी ज्ञान के अंदर घुसेड़ रहे हो जो अपने आप में अननेचुरल है। तो कई बार हम लोग बहुत इंप्रेस हो जाते हैं, हाँ ऑब्वियसली एक वैदिक फॉलोअर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम सब एक हैं, लेकिन फिर भी हमें ये भेद मालूम होना चाहिए कि जो वैष्णव बदलाव ला सकता है वो ज्ञान मार्ग ही नहीं ला सकता, इसलिए प्रभुपाद जी के इतने सारे शिष्य हैं, ये पूरे विश्व में घर घर जाके इन्होंने छोटा छोटा गाड़ी मिला कुछ भी मिला उसमें जाके बुक डिस्ट्रीब्यूशन किए, फिर हम लोग भी टेम्पो ट्रेवलर आए तो नगर कीर्तन बुक डिस्ट्रीब्यूशन ये सब करेंगे, है ना, आप वैसे कोई बुक्स के लिए स्पॉन्सर करना चाहते तो कर सकते था ताकि हम गरीब लोगों को गाँव में सस्ते में दे पाए। तो यहाँ पे इन्होंने घर घर जाके ग्रंथ वितरण किए, अध्ययन किया, प्रभुपाद जी की महिमा को उजागर किया, चैतन्य महाप्रभु की महिमा को उजागर किया, कृष्ण की लीलाओं का सब जगह वर्णन किया, आज देश विदेश में कहीं भी जाइए जितना प्रीचिंग सभी कर्मकांडी मिला के नहीं हुए उतना हमारे 4-5 भक्ति कर लेते किसी देश में, क्योंकि भक्तों में वो संचार रहता है वो शक्ति का, ये है मिस्ट्री। तो आपको ना भक्त बनना है, आपको ज्ञानी नहीं बनना है, सिर्फ ज्ञान अपने आप आ जाएगा, अगर आपको ज्ञान चाहिए तो आप ज्ञान लीजिए कोई दिक्कत नहीं, ज्ञान लेने में कोई दोष नहीं है, लेकिन आपको भक्त बनना है। भक्त बनने का मतलब आप भगवान की रहस्यमय शक्ति को आकर्षित कर रहे हैं, भक्त बनने का मतलब है कि आप भगवान से इतना प्रेम करते हैं कि अगर अभी उठ के कोई बोले कि जाओ थोड़ा घास छील दो तो आपको भगवान के लिए घास छिलते आना चाहिए, आपको कोई बोले आओ आप शास्त्र पढ़ो भगवान चाहते हैं तो आपको जितना भी हो सके प्रयत्न करना चाहिए, चाहे समझ में आए ना आए, ऐसा थोड़ी मैं आज लेक्चर दे रहा हूँ, लेकिन कई बार ऐसे होता है कि कुछ चीजें मुझे नहीं पता होती, जैसे परसों मैंने बोला कि उसमें प्रधान जो हमारा है तत्व के बारे में
जयंते का लिखा है, तो मतलब जयंते कहा है, तो बाद में पता चला वो ग्यारहवें स्कंद में द्वितीय अध्याय से पांचवें अध्याय तक जो निमी और निमी महाराज और नव योगेंद्र है उनके बीच में चर्चा है अध्यात्म को लेकर, उधर प्रकृति का वापिस चर्चा है, तो उसमें प्रधान के बारे में अच्छे से बता रहा। तो कैसे होता है कि धीरे धीरे आपको सब पता चलेगा, ज्ञान तो आ जाएगा, लेकिन इस ज्ञान का करेंगे क्या? इस ज्ञान का कल्मिनेशन है कि हम भगवान से प्रेम करना चालू कर दें, हम अपनी प्रेममयी सेवा चालू कर दें। भगवान गीता में कहते हैं ना, कौन से श्लोक में कहते हैं बताइए, कि वेदों का कल्मिनेशन मैं हूं। बताइए कौन है वो विद्वान आपने से जो बताएगा, कौन से गीता की? हरे कृष्ण प्रभु जी। यस सची माता। 15.15। यस 15:15 बोलिए श्लोक को। सर्वस्य चाहम इति सन्निविष्टो मता स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम चाह वेदेश्च सर्वेश अहम एव वेद्यो वेदांत वेद विदेव चाहम। जी प्रभु। तो भगवान जो है वो कह रहे हैं सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो, सर्वस्य छठा विभक्ति, सर्व देवस्य का सर्वस्य, सर्वस्य। मैं शाम को रोज 8 बजे ना गीता का एक श्लोक लेके समझाता हूँ, ट्रांसलेशन सिखाता हूँ आप लोगों को, तो ज्वाइन करना है तो करिएगा। तो सर्वस्य ज्वाइन करना है तो यही लिंक होता है जो भी आपको भागवतम कहते हैं, वो 8 बजे खुलता है संस्कृत के लिए। तो सर्वस्य ऑफ ऑल सबका सब में, च अहम संधि हो गया, च एंड अहम आई अस्मद धातु का प्रथमा अहम, सर्वस्य च अहम मैं, कर्ता कौन है यहाँ पे? मैं। सर्वस्य च अहम हृदि, हृदय धातु है उसका, हृदि मतलब हृदय में, हृदय में। सर्वस्य च अहम हृदि यानी वो जो सप्तमी धातु आएगा हृदय में, सर्वस्य च अहम हृदि सन्निविष्टो मैं वहां पे रहता हूं, मत्तः परत सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो, हम इतना संस्कृत में घुस गए कि श्लोके भूल गए। मत्तः स्मृति ज्ञानम, स्मृति ज्ञानम, तो ये मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, मैं स्मृति हूँ ज्ञान हूँ और अपोहन भूलने का शक्ति भी मैं ही हूँ। और क्या है, वेदैश्च सर्वैर अहम एव वेद्यो, वेदों में सब कुछ जानने वाला मैं ही हूँ और उस वेदों को कंपाइल करने वाला भी मैं ही हूँ। वेदांत कृत वेद विदेव चाहम मैं ही हूँ। तो इसलिए भगवान बता रहे, तो अब मुझे बताइए, सारा नॉलेज तो आपको आ गया लेकिन उस नॉलेज का करिएगा क्या अगर आप भगवान ही नहीं मिले? तो असली रहस्यमय बात ये है कि भगवान को आप केवल भक्ति से प्राप्त कर सकते हैं। अब यहां आया है, so that is the beauty and mystery of process of bhakti yoga, as the lord desire, as the lord's desire। अब यहाँ पे एक बहुत अच्छा वर्ड आने वाला है कि भगवान को जो नाम आता है वही भक्त को आता है। कैसे? The lord's desire is infallible because he is achyuta। भगवान की इच्छाएं जो है वो कभी गिरती नहीं, क्योंकि भगवान ने जो इच्छा किया वही होता है। और यहाँ कहा गया था, desires of devotees in transcendental service of lord are also achyuta infallible। तो भक्त जो है ना, इनको भी अच्युत कहा गया है। क्यों? तो भक्तों की इच्छा भी जो है वो कभी नाश नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि भक्त वही इच्छा करता है जो भगवान इच्छा करते हैं, तब ना वो भक्त है। तो इसीलिए वो भी अच्युत कहलाया जाता है। और प्रभुपाद यहां लिखते हैं, दिस इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अ लेमैन हाउएवर टू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ द जो विदाउट अंडरस्टैंड विदाउट नॉलेज ऑफ मिस्ट्री ऑफ डिवोशनल सर्विस। और ये मुश्किल है, ये एक इसकी तरह टच स्टोन यानी उसको पारस बोलते हैं ना, जो पारस किसी चीज को हाथ लगाता है सोना हो जाता है, वैसे लोगों को समझना, ये चीज समझना बहुत मुश्किल होता है कि कैसे संभव है। तो ये भक्ति की महिमा है और इसलिए यहाँ पे पारस के लिए कहा गया, कोटिशु अपि महामुने कहते हैं। और जैसे एक पारस है वो बहुत बहुत रेयरली मिलता है, उसी प्रकार एक भक्त जो है बहुत रेयरली मिलता है। टच स्टोन इज रेयरली फाउंड, A pure duty of Lord is also very rarely to be seen। उसी प्रकार भगवान का एक शुद्ध भक्त जो है, जो केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए हर क्षण कार्य करता है, वो बहुत क्वचित मिलता है। Even amongst millions of liberated souls, बहुत सारे जीव हैं
जो मुक्त हैं, जो बंधन में नहीं है। अरे वैसे भी ना 35 के बाद सब मुक्ति हो जाते हैं। हाँ, लड़कियों को भी 30 साल के बाद उनको समझ में आता है दुनियादारी कुछ है नहीं, वो भी मुक्त हो जाते हैं। पुरुष भी 35 के आसपास अकल आ जाता है, वो भी मुक्त हो जाते हैं। लेकिन मुक्त का क्या मतलब है? मुक्त का मतलब है कि बंधन का अकल आ जाता है कि बंधन है, हटे जाओ। लेकिन उनको भगवान का सेवा, प्रेममय सेवा नहीं मिलता, इसलिए वो जो है ना वो रेयर होता है। इसलिए वो लिबरेटेड्स में भी वो एक होता है। हाँ, इसलिए आपको दिखेगा जितने भी सो कॉल्ड लिबरेटेड लोग होते हैं, उनके सामने जब भक्त जाते हैं तो भी देखते रहते, बड़ा खुश है। कैसे खुश है? चैतन्य महाप्रभु जब नगर में पूरे बनारस में कीर्तन कर रहे थे, अलग अलग गलियों में कीर्तन करते करते महामंत्र गाते गाते जा रहे थे, तो आप प्रकाश आनंद सरस्वती थे, वो बोले कैसे गा रहा है, नाच रहा है, इसको वेदान सूत्र पढ़ना चाहिए, सन्यासी है, अबोध है, बच्चा ही है। जब उनको मिले तो उनको वो भक्त बन गए, वो भक्त बन गए। तो ये डिफरेंस है। तो जो आउट ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ परफेक्शन अटेंड बाय द प्रोसेस ऑफ नॉलेज, योगा परफेक्शन इन डिवोशनल सर्विस इज हाईएस्ट ऑफ ऑल एंड ऑल्सो द मोस्ट मिस्टीरियस। इसलिए भगवान इसको कहते हैं गीता में 18वें अध्याय के 64 में कहते हैं, सर्व गुह्यतमं भूयः श्रुणु मे परमं वचः। अर्जुन, अब तुम सबसे गुह्य सुनो बात, अब मैं तुम्हें बता रहा हूं। तब ये तो 64 है, और 65 में भी मनमना बोलते हैं, और 66 में सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हम लोग अपने मेहनत से, प्रयास से सब कुछ करते रहते हैं, हम पूरी आशा लगाए रहते कि इस बार मेरा पैसे का गणित ठीक हो जाएगा, मैं करोड़पति हो जाऊंगा, इस बार मुझे देखना, इस बार लॉटरी लग जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। और सर्वधर्मान परित्यज्य, जब आप समझ जाते हो कि मैंने पूरा हाथ पांव हिला लिया, अब प्रभु आपके पास सब समर्पित कर देता हूं, आप जैसे रखेंगे हम वैसे रहेंगे, वो लेवल बहुत हाई है। सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। तो धीरे धीरे ये व्यक्ति को समझ में आने लगता है, तो वो शरणागत होता है। एक है समझना, फिर भी ईगो की वजह से नहीं समर्पण करना, और एक है ईगो हटा के समर्पण कर देना, भगवान पे छोड़ देना। तो यहाँ पे ये कहा गया, और इसी को भागवतम में भी ब्रह्मा जी नारद को कहा, इदम भागवतम नाम यन्मे भगवतो दिदम संग्रहोयम विभूति नाम त्वमेतत् विपुलिक गुरु। ब्रह्मा जी ने कहा, वॉट एवर आई हैव स्पोकन टू यू अबाउट भागवतम वॉज एक्सप्लेन टू मी बाय द सुप्रीम पर्सनलिटी ऑफ गॉड हेड, मुझे भगवान ने बताया, दस एंड आई एम एडवाइजिंग यू टू एक्सपांड दिस टॉपिक्स नाइसली सो दैट पीपल मे इजिली अंडरस्टैंड द मिस्टीरियस भक्ति योगा बाय ट्रांसेंडेंटल सर्विस टू द लॉर्ड। तो ये यहाँ पे कहा गया है कि अगर ये भागवतम जो मैं आपको बता रहा हूँ नारद, ये मुझे स्वयं भगवान ने बताया है, और आप यही भागवत जाके आगे सबको बताइए। उसी प्रकार ये भागवत फिर नारद ने व्यास को, व्यास ने सुखदेव गोस्वामी, सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को, और वहां नरेशन सुन रहे थे सूत गोस्वामी, उन्होंने शौनक आदि ऋषियों को, उन ऋषि मुनियों के माध्यम से अलग अलग परंपराओं में वो ज्ञान और भागवत का ये महाज्ञान सब तक पहुंच गया, और आज हमारे जैसे शूद्र व्यक्ति भी इसको कथा रूप में सुना पाते हैं। और महानता ये है कि प्रभुपाद जी जैसे आचार्य ने इसको इससे अच्छे टीका लिखे हैं कि हम सबको पढ़ने को मिला, हमारे शिक्षा गुरुओं ने, दीक्षा गुरुओं ने हम सबको पढ़ाया है ना, पथ प्रदर्शक लोगों ने मार्ग दिखाया, और आज हम सबको भी भक्ति का मौका मिला। बोलो बेटा क्या चाहिए आप? ये नए एडमिशन है। अरे तो ये है आचार्यों के कमेंट्री में, वैसे तो सेम ही लाइन में, सब कहा गया। म्यूट अजीत, म्यूट कर दीजिए अजीत जी, म्यूट कर दीजिए। निकल गया, देख लिया कि
उसको आठ दिन तो भी बिनो ज्यादा वो निर्दलीय खड़ा हो गया, इसे बहुत कार्य किया। ठीक है, वो इसे परपोट है, परपोट आता है। ओके, तो किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। पहले तो अजीत जी को म्यूट कर दीजिए। पार्थ सर जी, अजीत को म्यूट कर दो। अजीत जी आप जो भी हैं प्लीज म्यूट करिए। म्यूट 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 है प्रभु जी। आप नहीं, दूसरा कोई अजीत है। डिसिप्लिन रखिए, क्लास ऑन है तो म्यूट करके फिर साइड में उसको हाथ नहीं लगाए फिर मोबाइल। यस क्वेश्चंस, छोटे लाल प्रभु आपको क्वेश्चन है, आपने हाथ बहुत पहले से उठा के रखे। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस हरे कृष्ण। ना कोई क्वेश्चन नहीं है। ओके, आज पहला दिन है आज मैं इधर प्रवचन आपका सुन रहा हूँ। थैंक यू। हम लोग भागवतम से प्रवचन करते हैं, श्रीमद् भागवतम ग्रंथ है, इसमें स्वयं भगवान ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया और वो जो परंपरा में जो भगवत ज्ञान है वो भगवान के सिवा कौन बता पाएगा। हाँ प्रभु जी, हम तो बस आज ही मेरे पास समय मिला, काफी दिन के बाद में मैं प्रयास कर रहा था, समय नहीं मिलता था, हम फौज में है ना इसी वजह से समय नहीं मिलता। अच्छा अच्छा अच्छा, कौन से आर्मी यूनिट में अभी। हम BSF में प्रभु जी। आप BSF में, कौन से बाउंड्री में, कौन से बाउंड्री में। हम BSF में, कुछ बिहार में अभी हम आए। कुछ बिहार में, हाँ कुछ आपसे बात हुआ था शायद पहले भी एक बार। हाँ उस दिन कुछ बिहार स्टेशन, मेरे सगे मामा है स्टेशन मास्टर। हाँ ठीक है ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस योगेश जी। हाँ हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु। आता एक थोडस मला विचारायचं होतं प्रभू, मनुस्मृती जी आहे ती जी आहे ओरिजिनल ती वेगळी होती आणि लोकांनी नंतर भाषांतर करून मग वेगळं हे केलंय का, ज्यामुळे काही लोक असे बोलते तर कुछ नाही, ओरिजिनल है अपने पास है सारा वर्सेस, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा, धन्यवाद। हरे कृष्णा। यस पूजा माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस प्रभु जी, क्वेश्चन एक्चुअली भागवतम से नहीं, व्यवहारिक आपसे एक पूछना था। जैसे हम अध्यात्म में होते हैं तो गुरु की आज्ञा ही सर्वोपरि होती है, जो हमसे गुरु कहते हैं हमें वो एग्जैक्टली फॉलो करना चाहिए जो वो हमें कहने करने के लिए बोल रहे हैं वो, बराबर। लेकिन जब हम में होते हैं तो एक स्त्री शरीर में होने के नाते तो हमसे बोला जाता है कि पति की आज्ञा ही सर्वोपरि होनी चाहिए, मतलब अगर ठीक है पति पति की आज्ञा गुरु की आज्ञा, ठीक है तो ठीक है। लेकिन अगर प्रभु जी कहीं कुछ ऐसी चीज हो कि गुरु किसी चीज के लिए बोल रहे, जैसे सपोज कीजिए कि कोई ऐसा काम है कि जिसमें पति की सहमति नहीं है, पति की सहमति है कि आप ऐसा करो, ठीक है गुरु की आज्ञा है लेकिन कभी कभी गुरु की सहमति नहीं है तो नहीं आज्ञा नहीं करती। जैसे गुरु बोलते हैं कि आपको जैसे इस जैसे सांसारिक इन चीजों में आपको इन सरपंचों में नहीं पढ़ना, गुरु ये बोलते हैं क्योंकि आपकी आध्यात्मिक उन्नति रुक जाएगी, लेकिन पति चाहते हैं कि आप ये सब करो। और अगर हम उनमें जाते हैं तो अभी हम इतने शुद्ध हुए हैं, हम उनमें जाते हैं तो हम कहीं ना कहीं उनमें लिप्त हो जाते हैं क्योंकि हम इससे शुद्ध आत्मा भी है नहीं, तो उस परिस्थिति में उसको कैसे निकलना चाहिए। सब लोग अपना अनम्यूट ही किए जा रहे हैं। विमुक्त जी म्यूट कर लीजिए। तो क्या होता है कि कभी कभी हम लोगों को कभी कभी हम लोगों को द्वंद्व हो जाता है कि आज्ञा एक यहाँ सिखाए कुछ जा रहा है, अप्लाई करने जाए तो यहाँ पे जाम रहते हैं। कभी कभी कोई ऐसे घर में रहता है, कोई स्टूडेंट है उसके पास पैसा नहीं होता, उसके माता पिता मना करते हैं भक्ति करने के लिए। कभी कभी कोई रिश्तेदार होता है वो ताना मारता है, तो कभी कभी पति का प्रॉब्लम होता है, कभी कभी पतियों को पत्नी से प्रॉब्लम होता है, ऐसे भी नहीं। अभी यहाँ पे एक बंदा आया, बेचारा बहुत सिंपल आदमी है, मतलब ट्रेन में झालमुड़ी बेचते ना वैसा वाला है, लेकिन उसका लेवल ऑफ डिवोशन बहुत हाई है, एकदम प्रामाणिक रूप से गीता पढ़ रहा है। बोला प्रभु जी हम महीने में 5 दिन यहाँ आएंगे, हम अपना भजन करेंगे, फिर 25 दिन हम दुनिया में संघर्ष करेंगे।
तो बेचारा पत्नी ने उसको घर से भगा दिया कि तुम ये माला वाला करोगे और नॉनवेज खाना नहीं चालू करोगे तो घर से बाहर जाओ। मतलब पति कमा के लाता है उसी को बाहर कर दिया। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि पत्नी को दिक्कत है या पति को दिक्कत है। भक्त भक्ति करोगे तो अभक्तों से आपको समस्या होगा, वो अभक्त किसी भी रूप में आ सकता है। और दूसरा है कि कभी कभी पति क्या सोशल स्टेटस होता है, यानी किसी पार्टी में जाना पड़ेगा तो उसको एक कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, तो वो लोग दिखाना चाहते कि मैं और मेरी पत्नी आए थे, आपको फूल का गुच्छा दिया, वो कॉन्ट्रैक्ट के चक्कर में ये सब करते कभी कभी। तो वहां पे एक पत्नी के रूप में बस पति को असिस्ट कर दिया कि हाँ चलिए भाई चले मिल के आए, वो पार्टी वार्टी अटेंड कर लिया, खाना पीना तो वहां खाना नहीं है तो कुछ मिठाई मिठाई है अगर गुलाब जामुन टाइप कुछ तो खा ले या दिखाने के लिए। क्या करना है उसको गुलाब जामुन को लेकर आइसक्रीम में डाल के खा लेने का, वो अच्छा भी दिखता है और थोड़ा स्टाइल में चबाते रहने करके 3 घंटा निकाल देने का उसी में। तो जब लोग खाना भी नहीं पूछते, बोले नहीं आप आइसक्रीम से मेरे पेट भर गए, और वो ज्यादा रूल्स रेगुलेशन में ज्यादा बैठता भी नहीं। तो आप उसको ऐसा कर सकते हैं, थोड़ा दिखावा करना पड़ेगा क्योंकि अगर आप जाल में कहीं फंसे हैं, देखो एक ही आदमी है, एक ही वर्ण और एक ही आश्रम है जो कभी दिखावा नहीं करेगा, वो है ब्राह्मण और उसमें है सन्यासी। ब्राह्मण फिर भी क्योंकि गृहस्थ होता है, ऐसा होता है तो उसको झूठ वूठ बोलना पड़ता है, वो भी झूठ नहीं बोलना चाहता लेकिन वो देखता है कि सामाजिक अव्यवस्था बिगड़ जाएगी तो वो फिर वो बोल देता है। लेकिन सन्यासी जो है वो परे होता है, सिर्फ सन्यासी ही सत्य बोल पाता है, चाहे वो राजा हो किसी के सामने वो मुखट बोल देता है, वो सन्यासी ही के पास ही अधिकार होता है। तो आप सन्यास छोड़ के बाकी 3 आश्रम में हो, 3-4 वर्णों में हो, आपको बहुत सारा तामझाम दुनियादारी में एडजस्टमेंट देश काल पात्र को देख के काम करना पड़ता है। तो इसलिए आपको ये चीज ध्यान में देना पड़ेगा कि आप स्त्री हैं, आप एक पत्नी हैं, आप एक माँ हैं, आप एक जो भी है एक रोल है आपका, तो उस रोल में लिप्त नहीं होते हुए अपना काम करना है। फिर तो प्रभाव होगा तो निकल भी जाएगा, क्योंकि भजन भक्ति नित्यम भागवत सेवा करना है, भागवत रेगुलर श्रवण करना है, ठीक है, ये बहुत जरूरी है। लेकिन कई बार सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि एक क्षण भर के लिए कोई सिचुएशन है तो ठीक है, आपने वो एक जस्ट लाइक एक शो ऑफ के पर्पस से आपने कर दिया, लेकिन कई बार उसका इम्पैक्ट बहुत लंबा होता है। जैसे किसी आपने किसी काम को अगर स्टार्ट कर दिया तो फिर वो आपको एक लॉन्ग रन में करना पड़ेगा, वो कई बार सिचुएशन ऐसी भी होती है। रेगुलरली जाना है ना, रेगुलरली वो करना पड़ेगा, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, उसमें डिटैच होना सीखो ना। ऐसा थोड़ी है, अभी आपको क्या लगता है मैं अभी भागवतम दे रहा हूँ, अभी तो रहते हैं तो भागवतम तो अभी 12 घंटे पहले एक बच्चे को, 8 घंटे पहले एक बच्चे को मारा है, बदमाशी कर रहा था वो, दो धड़ाधड़ दिया उसको, रुद्रावतार दिखाया, डर गया बाद बोलते बाप रे गुरु जी, बोला गुरु जी ये भी है, गुरु जी वो भी है, गुरु जी प्रेम बताएंगे नहीं तो गुरु जी माफ कर देंगे। तो उससे अफेक्टेड नहीं होना है, आपको मालूम है आप सेवा के लिए कर रहे हैं, तो आपके पति की सेवा ही ना कर रहे हैं। अगर वो नियम कानून के अंदर है, भारत सरकार के नियम कानून के अंदर है और शास्त्रों के नियम कानून के अंदर है तो कर सकते हैं। अगर बहुत बड़ा पाप है, पता चला कुछ ऐसा पाप है जो 4 नियम एकदम ही तोड़ने में है तो हम मना करेंगे। आप नहीं, यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि हम उससे डिटैच रहने के चक्कर में उस काम को अपना 100% दे करके कहते ना, वो मन से नहीं कर पाते। अब मन से जब किसी काम को आप सांसारिक काम को नहीं करोगे तो उसके आउटकम्स जो आने चाहिए वो नहीं आ पाते। फिर हम भगवान के लिए कर रहे, एक बार हमारे गुरु महाराज हॉस्पिटल में उनको कुछ हो गया था तो हॉस्पिटल गए थे, तो हॉस्पिटल के 5वें माले पे वो ट्रेडमिल था, जो ट्रेडमिल है ना, तो उनको डॉक्टर ने बोला कि आपको रोज आधा घंटा 10 दिन यहाँ जब तक आप हैं तो आपको ये थोड़ा सा वो रनिंग करना पड़ता है, वो ट्रेडमिल दिखाते ना मूवीज में बटन दबाते भागते हैं, तो उनको बोला आपको थोड़ा जितना तेजी से आप भाग सकते अच्छा रहेगा। तो महाराज जी इतना जोर से भागने लगे कि लोग देखने लगे कि यार इतना तेजी से कैसे भाग सकते ये। तो जब महाराज उतरे तो महाराज को बोला कि महाराज आप इतना तेजी से, तो महाराज बोले मेरे को इस हॉस्पिटल से आके ना गिरधारी जी का मंदिर दिख रहा है, तो मैं भगवान के पास भाग रहा हूँ ऐसा मैं सोच के भाग रहा था। तो देखिए कभी कभी संसारिक चीजों में रुचि लाने के लिए भी जो है ना, भगवान के बिना रुचि आएगा नहीं, तो ऐसा सोचो ये भगवान की हरि की इच्छा है कि मैं ये टाइम पास करूं तो मैं हरि के लिए कर रहा हूँ, ऐसा सोच के कर ली। करिए, सबको करना पड़ता है, ऐसा नहीं। यस जूही माता, जिनका हो गया हाथ हटा दीजिए तो नए लोगों का हाथ दिखाई देगा। छोटे लाल जी आपका जो हाथ है ऐसा ऊपर है ना, वो हटाना पड़ेगा तो नए लोगों का हाथ दिखाई देता है। यस
अभी किसी नाम का माता जी का नाम लिए, जूही माता आपको म्यूट बटन हटाना पड़ेगा तब बोल पाएंगे आप, वो म्यूट बटन हटाएंगे तब बोल पाएंगे। आवाज आ रही है गुरु जी? अब आ रही है। मैं तो अभी पहली बार अटेंड कर रही हूँ क्योंकि हम आज ही पहुंचे हैं वापस घर, तो समझने की कोशिश कर रही हूँ अभी सारी चीजें। अच्छा जी, तो आप वो माता है भोपाल वाली? जी जी भोपाल वाली। अच्छा अच्छा, आज पहुंचे हम लोग वापस। ओके जी, वेरी गुड। आपकी बात पकड़िएगा। हाँ जी, और उसे डायरेक्ट धनबाद आती है शिप्रा एक्सप्रेस, और धनबाद से यहाँ पे 2 घंटे का रास्ता है, ट्रेन बाहर आधे घंटे में मिलता है। जी जी जी, मैं इस बार नोट करके लाई हूँ, उस समय तो हम बहुत घूम फिर के आए थे। हाँ, पता नहीं रहता ना लोगों को। जी जी जी, नो प्रॉब्लम। यस रेणु माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, मुझे जैसे आपने अभी बताया कि भगवान भक्त बन के और हमें भक्ति सिखाने के लिए आते हैं, ये मुझे पहली बार पता चला है कि भगवान, आपने चैतन्य महाप्रभु जी का एग्जांपल दिया, सही है। एक्चुअली क्या है, मैंने हमेशा यही समझा था कि अपने पार्षद को भेजते हैं और वो प्रचार करते हैं। बराबर नहीं, क्योंकि भगवान अगर भगवान के रूप में आएंगे, एक को भक्ति देंगे दूसरे को नहीं देंगे तो वो पार्शल कहलाएंगे, तो भक्त के रूप में आते हैं, क्योंकि भक्ति वही कर पाएगा जो स्वेच्छा वाला बात है ना, सामने वाले की स्वेच्छा ही नहीं होगी भगवान की भक्ति करने तो कैसे करेगा, तो इसलिए भगवान भी आते हैं। दूसरा मुझे ये जानना था, जैसे आपने बताया कि ज्ञान मार्ग सही है, कि ज्ञान मार्ग का पूरा निचोड़ यही है कि भगवान के सरेंडर आखिर में यही है, कितना भी जान लो। जैसे भगवान इस चीज पे जोर देते हैं ना, तत्व से जानिए मुझे, तो ये इसलिए होता है कि मन जो कंफ्यूजन लाता है बीच बीच में, या दूसरे लोग जो क्वेश्चन पूछते हैं, तो हमारे पास आंसर होना चाहिए, इसलिए ज्ञान जरूरी है प्रभु जी। देखिए, ज्ञान दो होते हैं, एक ज्ञान होता है संसार का ज्ञान, एक होता है भगवान का ज्ञान। भगवान का ज्ञान भी भक्ति है। आप भगवान को समझ रहे हो ना, मतलब ये तो ऐसा हो गया ना, जैसे किससे प्रेम करते तब ना उसके बारे में पूछते हैं, अब हम किसी के बारे में पूछते हैं कि आप क्या खाते हो, क्या रहते हो, कैसा करते हो, इसका मतलब व्यक्ति आपको प्रेम करता है, आपके बारे में जानना चाहता है, ताकि वो पूछे और आपको अगली बार में जब आप आए तो आपके लिए कुछ उस प्रकार का मिठाई बना के लाए। या किसी को हम पूछते हैं कि तुमको कौन सा ड्रेस पसंद है बताओ, तो सामने वाले लोग मुझे ऐसे ऐसा ड्रेस पसंद है, इसका मतलब क्यों पूछ रहे हैं, हम अच्छा देना चाहते हैं उसको, हम उससे प्रेम करते हैं। प्रेम नहीं करते तो फिर आप लेके कुछ भी दे दो, भाई पहनना पहनने तो भाग्य से, इसका मतलब आपको उतना प्रेम नहीं है, कंसर्न है। तो वैसे भगवान के बारे में जानना, वो क्या करते हैं, सृष्टि को कैसा बनाते हैं, फिर वो वहां क्या करते हैं, फिर वो हम लोग के, तो ये सारा जानना भी अपने आप में एक भक्ति है। भगवान 18वें अध्याय में कहते हैं कि जो व्यक्ति इन शास्त्रों को पढ़ के मुझे जानता है, वो ज्ञान रूप से मेरी आराधना करता है, यानी बुद्धि रूप से आराधना करता है। जैसे अभी आपने बोला प्रभु जी कि वो मतलब खाने में क्या पसंद है वो उसको देना चाहता है, कि उनको क्या पसंद है वही सर्व करना चाहता है, ऐसे 2-3 दिन से मेरे माइंड में हो रहा है। जब आपने मुझे बोला कि गुजरात आ रहे हैं, आपको राजकोट में जमीन मिली है आपको, तो मैंने ये सोचा था मैं आपसे पूछूं आपको खाने में क्या पसंद है। प्रभु जी प्लीज बताइए। ठीक है ठीक है, ये आप कोई टेंशन नहीं, और आप लोगों को बनाना आता भी नहीं, मैंने जितना भी माता जी लोगों को बोला है, बस 2-3 है जिनको अभी तक आया है वो बनाना। ओके वो ठीक है, वो टेंशन मत लीजिए, आप गुजराती आइटम खिलाए, वो खाकड़ा ढोकड़ा फाफड़ा सब भी खा ले। प्रभु जी मैं गुजराती नहीं हूँ, मैं अगरवाली। गुजराती सीखे तो उधर का सीखो, गुजराती बनो। मायके का नहीं लेके आना होता है ससुराल में ससुराल का बनो। ससुराल भी अगरवाली है। अच्छा वो लोग भी है तो क्या हुआ, रहते गुजरात में उधर का डालो शक्कर खाने में टपवा। पहले पसंद नहीं था मेरे को गुजराती प्रसाद, लेकिन बाद में अब पसंद आ गया, क्योंकि सिद्धार्थ बैठा हुआ क्लास में, सिद्धार्थ माधव है क्लास में नहीं है, तो वो जो है उन्होंने सूरत में इतना अच्छा प्रसाद खिलाया, थोड़ा फैन हो गया। मैं रवि घोड़ात करके मेरा एक स्टूडेंट है रवि तेजा, तो वो उसका घर पे भी उनके घर पे जाती, इतना खिलाएगा कि मैं मुंबई में किसी, अगर या तो मैं मुंबई के सबके घरों में जाता हूँ उसको बताता ही नहीं, या उसको बता दिया तो मैं किसी को बताता नहीं, क्योंकि उसके घर में इतना प्रसाद मिल जाता है कि, है ना। कोई बात नहीं, मुझे मसाला राइस पसंद है, सब सब्जियों को फ्राई करके राइस के ऊपर तड़का मार के टोमेटो का ग्रेवी डाल के, उसके अपने कुछ नहीं खाता।
लेकिन किसी को बनाना नहीं आता, लोग ले आते प्रभु जी आपके लिए लाए, लेकिन वो ढंग का रहता नहीं, फिर चुपचाप खाना पड़ता है, मन भी मार के बोलना पड़ता है अच्छा अच्छा नहीं बोला तो फिर डोनेशन नहीं मिलेगा, तो मेरा आने जाने का भाड़ा नहीं होता उसमें। ओके यस अजीत सिंह प्रभु। हरे कृष्ण धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। यस प्रभु जी हरे बोल। यस आवाज प्रभु जी, ये भागवतम का क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्म में कोई ग्रंथ या बुक है क्या? एक बुक है, देखिए ये एक है हमारे भक्त, ठीक है हाँ जा रहे आप जा रहे ठीक ओके हाँ नो प्रॉब्लम हम भी देखी जा देखेगा जाओ अभी जाओ मेरे क्लास में। तो पेरेंट्स बच्चों को छोड़ जाना, तो यहाँ पे ये एक भक्ति वेदांत विद्यापीठ है ना अपना, यहाँ पे बेटा अभी मेरा क्लास चल रहा है, क्लास के बाद मिलेंगे ठीक है, यहीं खड़े रहो, मेरा क्लास हो जाएगा तो मोबाइल बैठ वहां बैठ रहो। तो भक्ति वेदांत विद्यापीठ जो है जो वाड़ा में है ना गोरधुनिको विलेज, तो उधर बहुत अच्छे से इन्होंने भागवतम स्टडी का एक ऐसे बुक्स निकाले हैं भागवत सुबोधिनी करके, तो ये है, तो ये बहुत प्रिसाइज और कंसाइज है, जैसे परपोर्ट्स के बहुत की पॉइंट लिखे हैं और ऐसे टाइप कुछ कुछ डायग्राम्स वगैरह बना के इन्होंने मतलब उसको कंसाइज किया है, तो ये बुक्स आप ले सकते हैं, तो इससे थोड़ा आपको ओवरव्यू भी मिल जाएगा ठीक है, ये आप ले सकते हैं। इसके अलावा मेरे को नहीं लगता कुछ है, एक है कंडेंस्ड भागवतम, यानी भागवतम को स्टोरी रूप में बोला गया, ऐसा हुआ जो हुआ सीधा नरेशन टाइप में, वो दो बुक्स मुझे मालूम है, बाकी और कुछ पता नहीं है ठीक है। हिंदी वर्जन है या इंग्लिश वर्जन? अभी प्रभु ये तो इंग्लिश है, इनके पास हिंदी भी होना चाहिए अगर मेरे को लग रहा है। प्रभु जी गीता सुबोधिनी हिंदी में है मेरे पास है। गीता सुबोधिनी होगा तो भागवत सुबोधिनी होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने ट्रांसलेशन देने में लोग बहुत अमीर लोग हैं, फटाफट कर लेते लो टकाटक खटाखट टकाटंग ठीक है हो जाएगा। गौरांग दर्शन प्रभु बहुत स्कॉलर है, बहुत विद्वान है, तो उन्होंने अच्छा किया है, बहुत अच्छा किया है। ओके तो ये सब है इसमें, आप लोग ये है इसमें हिंदी लिखा नहीं लेकिन हिंदी होगा अभी अभी, ये तो बहुत पुराना पब्लिकेशन है, आप लोग ट्राई करिए। ओके प्रभु जी हरि बोल। यस सुनंदा माता। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। माझा प्रश्न असा होता की आपण जर इस्कॉनचा पैसा बाहेर जातो असं कोणी विचारलं तर मग आपण त्यांना काय उत्तर द्यावं? त्यांना म्हणा भारतीय माणसं एवढी हरामखोर आहेत की त्याच्या घरचे पैसे अमेरिकेला देत नाहीत, तर इथली इथला आलेला पैसा कशाला अमेरिकेला पाठवतील? लक्षात आला का? तुला कोणी 100 रुपये दिले तू देणार आहे कोणा अमेरिकेला पाठवणार आहे का तू? त्या पोराला विचारायचं, तुला एखाद्याने पैसे दिले तू अमेरिकेला पाठवणार का? तो म्हणेल नाही। त्याला विचारायचं कुठल्याही भारतीय व्यक्तीला कोणी पैसे दिले तू अमेरिकेला पाठवेल का? म्हणलं नाही। मग इस्कॉन वाले कशाला पाठवतील? नाही पाठवत। आणि जर पाठवतायत तुम्हाला वाटतं इथला पैसा तिथे जातो, तर मग सरकार कशाला झोपले? सरकारने आळा घालायची की त्या विषयावर? सरकारची कामं सरकारने करायची, जनतेने नाही करायची ठीक आहे। हा ठीक आहे। वो पूछ रहे की कुछ लोग पूछते हैं कि इस्कॉन का पैसा अमेरिका जाता है तो कैसे जवाब दें लोगों को, तो मैंने बोला कि भारतीय आदमी को कोई पैसा दे दे वो अपने घर वालों को नहीं देता है तो अमेरिका को कहाँ देगा? तो उस बच्चों को पूछ सकते, जैसे आपको भी कोई पूछो, मैं आप ही लोगों को पूछता, आपको कोई पैसा देगा 1,00,000 रुपया आप अमेरिका भेजिएगा क्या? आप नहीं भेजिएगा तो वो इस्कॉन का प्रेसिडेंट या इस्कॉन का मैनेजर क्यों भेजेगा? तो अगर फिर भी आपको लग रहा है नहीं भेज, तो फिर सरकार क्यों चुप बैठी है? वो उस पर रिस्ट्रिक्शन ला सकती है, जैसे बैंकिंग सिस्टम में ऑलरेडी रिस्ट्रिक्शन होता है, ट्रस्ट वहां पैसा नहीं भेज सकता, ये यहाँ नहीं करना, हजारों रिस्ट्रिक्शन तो पहले से, तो ये सब फेंका हुआ चीज है, बोलने की चीज है, बस बदनाम करने वाला काम है। कोई बात नहीं, भेजो नहीं भेजो, मेरा गुरुकुल इंडियन है, इंडिया में ही है, इसका कोई ब्रांच फॉरेन में है भी नहीं, इधर ही दे दो, एक काम करो मेरे को पैसे दे दो, ज्यादा डाउट है सबको बोलो गदाधर को डोनेशन दो, है ना, बाकी मैं देख लूंगा। देख हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम प्रभु जी। पैसा तो दूर, हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी
प्रभु जी, मुझे भी लोग कहते हैं गांव के है कि मेरे मंदिर के लिए पैसा ट्रस्ट से आता है। हाँ, तो मैं अब किसका किसका जवाब दूं कि ट्रस्ट से आता है कौन? ट्रस्ट का मेंबर बनने के लिए खुद तुमको पैसा देना पड़ता है, ट्रस्ट पैसा नहीं देती। और तिरुपति में जब मैं रिसर्च कर रहा था कि भाई मुझे मंदिर बनवाना है, मुझे कुछ नहीं मालूम है बालाजी के विषय में, तो वहां का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने बोला कि ट्रस्ट तुमको एक पैसा भी नहीं देगा। मैं अपने पॉकेट से 100 रुपया 200 रुपया वो डोनेशन आपको दे सकता हूँ, लेकिन ट्रस्ट एक पैसा नहीं देगा। लेकिन बोलने वाले तो बोलते हैं, क्या किया जा सकता है उसके लिए? इस्कॉन ट्रस्ट में एक मंदिर से दूसरे मंदिर पैसा भी देते तो लिख के लेते कि तुमने मुझसे उधारी ली है। अगर एक मंदिर दूसरे मंदिर से रिक्वेस्ट करता है कि प्रभुजी कुछ 5 रुपए दीजिए, तो वो प्रेसिडेंट लिखवा के लेता है कि आपने मुझसे 1 लाख रुपए अर्जेंसी के बेसिस पे लिया है और आप 6 महीने बाद लौटा दोगे, तब साइन मारता है, तब देता है पैसा। इधर इसको नहीं देता, अमेरिका में कहाँ देगा? ससुराल है जी वहाँ। तीन चार वीडियो भी है प्रभु, हाँ, भक्तों ने योगावतार प्रभु जैसे भक्तों ने वीडियोस भी बनाए बहुत सारे। हाँ वो है, ये बच्चे ऐसी पूछ रही बेचारी अपना यूट्यूब पर। हाँ नहीं नहीं एक्चुअली देखिए आपको बता रहे हैं, पैसा नहीं जाता है इसलिए बात नहीं, लेकिन ऐसा पैसे नहीं जाता कि यहाँ से वहां जाता है, वो ट्रांजेक्शन नहीं चलता है। जैसे कोई सेंट्रल इवेंट हो तो इस्कॉन इंडिया जो है वो उनको वर्ल्ड इस्कॉन में कुछ डालती है कंट्रीब्यूशन रूप। हर टेम्पल से ब्यूरो को लक्ष्मी जाता है, जैसे हर मंदिर को मेंटेन करने के लिए सेंट्रल एक ब्यूरो बना हुआ है इस्कॉन ब्यूरो, उसको चलाने के लिए कुछ लक्ष्मी लगता है, तो कुछ कुछ उसमें से डोनेशन उसमें जाता है। तो ऐसा होता है, कुछ सेंट्रल वर्क्स होते हैं जैसे राज्य सरकार होता है, केंद्र सरकार होता है, तो वो सब चलते रहता है। यहाँ का पैसा अमेरिका है तो यहाँ मंदिर कैसे बन जाते हैं? अगर सारा पैसा यहाँ का वहां जाता है तो यहाँ कैसे मंदिर बन जाता है? मंदिर तो यहाँ ना बन रहा है, तो उल्टा उधर से इधर पैसा आता है। मतलब आरोप लगाने वाले भी एक अलग ही नमूने होते हैं। अब तुम्हारा यहाँ का इंडियन बेटा अमेरिका जाकर पढ़ लेता है, यहाँ का खेत बेच के उनको पैसा देके पढ़ लेता है, वो चल जाता है। देखो कितने ढोंगी हैं लोग, यहाँ का आप जमीन बेच के सब बेच के पैसा वहां भेज देते हो। यही लोग उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, बताइए। हाँ वो एस जयशंकर है, वो फॉरेन मिनिस्टर है, उसका बेटा अमेरिका में पढ़ता है। ओवैसी है, ये लोग मुस्लिम आला होते लेने मुली नहीं करता है, उसका बच्चे भी लंदन में पढ़ते हैं। ये लोग जितना लोग है बड़े बड़े बिग शॉट्स हैं, इनके बच्चे बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं, बड़े बड़े देश विदेश में, भारत में भी पढ़ते हो तो बड़े बड़े अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, थोड़ी सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। ये लोग खुद अमेरिका भेजते हैं, इनफैक्ट इसको 1 रुपया नहीं भेजते हैं, वो भेजेगा भी नहीं, इम्पॉसिबल है। यस वो बच्ची है, उसने पूछ लिया, अपने बोलेंगे। ये राकेश प्रभु, ये साहब आपको। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। यस प्रभु जी, थ्योरिकल और प्रैक्टिकल में थोड़ा फर्क तो हो जाता है। तो हमने करके देखा है, पैसा तो दूर, पेपर भी एक सेंटर दूसरे सेंटर को नहीं देता है। हमको उन्होंने समझाया कि प्रभु पाद जी 40 रुपया लेके अमेरिका गए थे, वहां क्या मदद किसने किया? अपना स्वयं आत्मबल पर भगवान को केंद्र बना के आप कार्य करेंगे, स्वतः जो है उसमें सफलता मिलेगी। यहाँ के सेंटर में हम लोगों ने जो किया था, एक पीएसयू को पेपर चाहिए था, भाई किसी पीएसयू ने मदद किया है, तो पेपर भी एक सेंटर दूसरे सेंटर को नहीं दिया, तब हमको साथ हुआ कि लोग कहते हैं यहाँ का पैसा अमेरिका जाता है और एक सेंटर दूसरे सेंटर को नहीं मदद करता है। प्रभु जी पेपर से जब नहीं करता है तो पैसा तो बहुत दूर की चीज है, हमने प्रैक्टिकल करके देखा है। अभी यहाँ मैंने गुरुकुल खोला, इसको 1 रुपया नहीं दिया, चाहिए भी नहीं उनसे मुझे, लेकिन कहा दिए, कुछ भी नहीं। इनफैक्ट वो तो करते हैं कि मैं किसी शहर में आ जाऊं तो लगता है आप कलेक्शन करेगा। धनी आदमी हो तो भी मेरे को याद नहीं रहते, ऐसे पैसा मांग सकते हैं। ऐसा होता है कि चाणक्य कहते हैं जहां आप धन से और स्त्री से संपर्क रखोगे तो आप अननेसेसरी शक के दायरे में आ जाते हो, तो ऐसा वाला बात है और कुछ नहीं, इतना बड़ा इशू नहीं है, एजेंडा नहीं है, और उसे कुछ फर्क नहीं करता। ऐसे बोलने वाले आते हैं मंदिर में, फ्री प्रसाद खा के चले भी जाते हैं, एंजॉय करो, उनको प्रसाद खिलाओ, और वो बोल रहे हैं जाते है, बोला रे इतना ही नहीं जाता, सारा पैसा जाता है, बोल क्या कर लेगा तू। बट एक सीए मिला था मुझे ट्रेन में, तो जब वो ट्रेन में मिला था तो मुझसे बात कर रहा था ये सब चीजें, तो मैंने बोला एक काम करो, आप तो पढ़े लिखे हो, आपसे तो लॉजिकल बातें करनी होंगी,
बोला एक काम करिए वो डॉक्यूमेंट दिखाइए जिसमें प्रूफ है कि गए हैं, तो चुप बैठ गया। बोला आप तो सीए हैं भाई, तो आप बिना अथॉरिटी के कैसे बोल देंगे, आपके पास कुछ प्रमाण होना चाहिए। बच्चे चलो बाहर के पागल लोग हैं, कोई उनका कोई कौन सुनता है, लेकिन आप तो सीए हैं और ट्रेन में आप इतने 10 लोगों के सामने अपने को हीरो बनाना चाहते हैं, तो मैं आपको ओपन चैलेंज करता हूँ, आप डॉक्यूमेंट दिखाए, मैं यहाँ बैठा हूँ, आपने प्रूव कर दे मैं इसको छोड़ दूंगा। तो वो चुप बैठ गया एकदम। तो फिर मैंने उसको बाद में ट्रेन में आधा घंटा ऐसा पेला बाद में हाँ पाँव पकड़ के बोलता गुरु जी माफ करिए। बोलते गुरु जी आप बड़े पढ़े लिखे दिख रहे हैं। बोला बेटा जहाँ से तू पढ़ाई खत्म किया है वहाँ हम खुजला के पढ़ लेते हैं, इकोनॉमिक्स हम ऐसे लेफ्ट राइट देख के पढ़ लेते हैं बेटा, जिधर तू जाके गणित कर रहा है वो बोलने की बातें। यस हरिंदर माता जी, हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरिंदर माता जी को सुनने में मुझे बहुत प्रसन्नता होती है क्योंकि मुझे गुरबाणी आती नहीं और माता जी कुछ ना कुछ उसमें से सुनाती हैं, तो मेरा मन में आनंदित हो जाता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी आज एक्चुअली ना सुबह से मन में ना एक प्रश्न आ जा रहा है भगवत शब्द को लेके, कि भगवत कोई धर्म है या भगवत शब्द जो है मतलब उससे हम क्या तात्पर्य निकालें। वो देखिए भगवत यानी जो ऑल ऑपुलेंसेस पोसेस करता है, यानी सारी शक्तियों को जो पोसेस करता है, जैसे महत यानी जो महानता को पोसेस करता है उसको महत धातु आएगा। भगवत यानी जो सभी चीजों को अपने सभी यानी सभी सृष्टि के सभी चीजों को कंट्रोल में रखता है और पोसेस करता है उसको बोलते हैं भगवत। उसका प्रथमा होता है भगवान, ठीक है। तो भगवत गीत यानी भगवान ने गाया हुआ गीत, तो जब वो संधि हो जाएगा तो भगवत का बन जाता है द, तो भगवत गीता ऐसा होता है। तो प्रभु जी जैसे हमारे इधर एक माता रानी के लिए शब्द बोला जाता है भगवती, हाँ, तो जो सभी शक्तियों को पोजेस करती है उसको बोलते हैं भगवती। अच्छा शक्ति मतलब शक्ति रूप में वो भगवती है। तो भगवान को हम शक्ति रूप में देखें नहीं, आप नहीं समझे। हाँ। भगवान जो है ना, भगवान व्यक्ति है क्या? भगवती व्यक्ति नहीं है, भगवती भी व्यक्ति है ना, शी इज अ पर्सन। लेकिन जो रेफरेंस है, जैसे मैं कोई बोले अरे गदाधर साधु है या ब्रह्मचारी, तो वो ब्रह्मचारी भी हूं मैं और व्यक्ति भी हूं, वैसे भगवान का मतलब है वो व्यक्ति भी है और वो सारा पोजेस करते, तो रेफरेंशियल वर्ड हुआ वो एडजेक्टिव टाइप, विशेषण हो गया उनको, विशेष। हाँ बराबर जी, ठीक है। भगवान अरदास में हमारे में शुरू में यही हम करते हैं ना, प्रथम भगवती सिमर के गुरु नानक लई ध्याय, हमारा पहले गुरु नानक देव जी से पहले हम भगवती को भगवत को ध्यानक बोलते हैं, तो मैं इस वर्ड को समझना चाहती थी कि नहीं, वो चेक कर लेना उधर, भगवती भगवान के लिए है कि देवी के लिए, वो चेक कर लेना। ठीक हरे एक्चुअली भगवती का मतलब है जो भगवत की है, वो जो भगवान की है वो भगवती, ठीक है। अब वो बहुत बड़ा पंडित जस्ट प्रभु जी, राधा रानी जी अलादनी शक्ति हैं भगवान की, तो वो उनमें हैं भी और उनसे अलग भी। हाँ प्लेजर पोटेंशियल अलादनी। अच्छा कभी आएगा खुद ही भगवान। हाँ जी मिलेंगे ना हम लोग, गोलोक जाएंगे राधा रानी से मिलेंगे ना। हाँ जी राधा रानी इधर भी है, दो जगह विराजमान है अभी भी, आप मिलने जा सकते हैं। एक वृंदावन की श्याम सुंदर है वहां पे खड़ी है वो, और एक खुटाम गुरुकुल में राधा रमण जी के साथ खड़ी है। लेकिन क्या करें मेरे शिष्यों में उतना तत्परता नहीं है, तो अब वो राधा रानी को देखने के लिए उत्साह तो है नहीं, तो आते नहीं। प्रभु जी आपके नाम का मीनिंग भी तो राधा रानी है। नहीं, मेरा नाम दास गदाधर है। दास गदाधर जो थे वो भगवान चैतन्य महाप्रभु के शिष्य थे, उनका समाधि कटवा में है। हाँ बैठो, हाँ ये बैठो हमारे, तो कौन आया है? हाँ बैठो मैं आ रहा हूँ।
तो भगवान जो सॉरी क्या कह रहा था मैं अभी बच्चे को डिस्टर्ब कर रहा हूँ, दास गदाधर। हाँ, तो दास गदाधर जो है इसका नाम, दास गदाधर शिष्य थे महाप्रभु के, चैतन्य महाप्रभु का। चैतन्य चरितमृत में वर्णन आता है, चैतन्य भागवत में वर्णन आता है। तो जैसे हमको नाम मिलता है ना आगे दास और एक दास होता है, दास गदाधर का दास। तो दास गदाधर जो थे वो रात को 12 बजे चढ़ के काजी को कान के नीचे मार मार के उससे चैंटिंग करवाया था। वो काजी के बोले नाम जप कर, नहीं करता देर रट्ट मार दिए। बोलता अरे मैं कल करूंगा। वो साधु को मार नहीं पा रहा था क्योंकि वो जानता था मेरे महल में घुस गया रात को 12 बजे। वो काजी बोला हरे कृष्णा, तो शांत हो गया वो। और उन्होंने एक बाघ को मारा था, बाघ था एक टाइगर, उसको बोले बोल हरे कृष्णा, महाप्रभु यहाँ प्रकट हुए तो नाम नहीं लेगा, प्राणी योनि में है तू बद्ध जीव। तो वो बाघ को फिर एक बजाय जोर से बाघ को, तो बाघ हरे कृष्णा बोला ऐसा। तो इसलिए उनको गदाधर दास को फोर्सफुल प्रीचर बोलते थे, अगर वो किसी के हत्ते कोई लग गया तो भक्त बन के ही रहेगा। इसलिए दास गदाधर, तो इसलिए मेरा नाम मेरे महाराज जी ने दीक्षा दी तो मेरे से पहले 4 लोगों का था, तो 150 लोग थे उसमें मेरा 5वां नंबर था। तो 4 लोगों ने सिर्फ नाम दिया और भेज दिया, मेरा आया तो मुझे बोला योर नेम इज असाइंड। फिर उन्होंने पूरा स्टोरी बताया, स्टोरी बता के नाम दिया। तो मुझे तो कुछ समझा ही नहीं, मैं सन्नाटे में था, हाथ में माला ले में भाग गया। मैं हरी बोल सुना, बोला बाद में इसका रिकॉर्डिंग सुन लेंगे क्या बोला है। ओके हरे कृष्णा, आज का लेक्चर हो गया, 9:45 हो गया, कल मिलते हैं। भागवतम का कल श्लोक मिलेगा, हो गया जो बोलना था आप लोगों को। भावुक हो गए, आप भावुक हो गए, आपकी आंखों में नजर नहीं नहीं है। तो हम लोग कल मिलेंगे, अभी चतुर्श्लोकी गीत भागवत का 4वां श्लोक कल मिलेगा। पहले 2 श्लोक में संबंध, 3रे में अभिधेय, अब आएगा प्रयोजन। भगवान अपना और भी नजदीक लेंगे भक्त को, वो पढ़ेंगे। उसके बाद अगला उसका जो चैप्टर आएगा 10वां चैप्टर, उसमें वो वर्ष आएगा कि कैसे भगवान ने इच्छा किया तो वो चीज बना। भगवान ने सूंघने की इच्छा की, नाक आया, कान, ये सब भगवान का है, हमारा कुछ नहीं है। ये नाक भी जो उनकी इच्छा से बनी है, बस हमको असाइन कर दिया, असेंबल कान सब दे दिया है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। देखो कितना विरोधाभास है, अभी आप कह रहे हैं कि ये सब तेरा है, तो अगले लाइन में कहते हैं धन संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। जब तन भगवान का है तो तू क्यों कष्ट ले रहा है? धन संपत्ति से तन का कष्ट मिटता है जी, बताइए। अपने अपने अज्ञान में लोग हैं, भागवत श्रवण करेंगे, भगवान की वाणी है, स्वयं भगवान स्वरूप है। हरि बोल हरे कृष्णा, कल मिलते हैं, जय श्री प्रभुपाद की।